हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बेसिकली इन्वर्टर के बारे में बताऊंगा। तो मेरे पास एक सुकुम का इन्वर्टर है, ठीक है। तो हम इसे खोल के देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या पार्ट होते हैं और ओरिजिनल और लोकल के क्या पैसे हैं, ठीक है। तो बेसिक दो मैं आपको पहले इंट्रोडक्शन दे दूँ वायरिंग की। तो हमारे पास ये वायर है कुछ, इन्हें अलग अलग कर लेते हैं पहले। ये जो हमारा ब्लैक वायर है, ये हमारा बैटरी के नेगेटिव पॉइंट में जाएगा। ये आपको ब्लैक दिख रहा होगा, ब्लैक और रेड। तो जो रेड है वो पॉजिटिव में जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल में, जो ब्लैक है वो नेगेटिव टर्मिनल में जाएगा। और जो ये आपको दिखाई दे रहा है, इसका ये एक प्लग है, ठीक है। ये क्या है, चार्जिंग प्रोवाइड करने के लिए ये हमारा इनपुट है। ये क्या हमारा इनपुट, ठीक है। उसके आधार पर देख सकते हो, और ये हमारा आउटपुट है, और ये हमारा स्विच है। स्विच यूपीएस और WUPS, इसका मतलब क्या है कि जैसे आपकी लाइट कटेगी ना, ये फील होने नहीं देगा कि आपकी लाइट कटी है, क्योंकि कंप्यूटर के लिए हमें यूपीएस की नीड होती है। इसलिए इसमें यूपीएस का वर्जन दे रखा है। ये थोड़ा महंगा है, कॉस्टली है, बिकॉज सुकुम एक अच्छी कंपनी है जहां तक मुझे पता है। तो ये काफी दिनों से खुला नहीं है, तो मैं आज आपको इसे खोल के दिखाऊंगा। तो मैं वीडियो एक बार पॉज कर रहा हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अप्रोक्सीमेटली इसके सारे पेज खोल लिए हैं। मैं इसके बारे में थोड़ा बता दूं, ये जो हमारा ये है, ये फ्यूज है, ठीक है। आप इसे खोल के देख सकते हैं कि आपका फ्यूज खराब हुआ या नहीं। कभी कभी अगर आपका इन्वर्टर ऑन नहीं हो रहा तो फ्यूज का भी इशू हो सकता है। तो मे भी ये फ्यूज ही है, शायद इसमें डला है, नहीं है, मुझे नहीं पता, लेकिन ये फ्यूज है, ठीक है। फ्यूज का काम क्या होता है, अगर ओवरलोडिंग हो या ओवर करंट हो तो ये क्या करेगा, फ्यूज हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली मैंने इसके सारे पेज खोल लिए हैं और मैं अब इसको खोल रहा हूँ। आज तक मैंने सुकुम का इन्वर्टर रिपेयर नहीं किया है और सब किया है, क्योंकि मेरा इलेक्ट्रिकल्स है। तो इलेक्ट्रॉनिक, एक मिनट मैं इसे खोल लूँ। तो मैंने इसे खोल लिया है बेसिकली, और अब कुछ इसमें खास दिखाने को मैंने इसे खोल लिया है। अब आप इसमें जो प्लेट है, आप देख सकते हो इस प्लेट को। बेसिकली मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो इसके जो वाइंडिंग है, ये प्लेट है, ये ओरिजिनल प्लेट है, और ये ओरिजिनल लाइक लोकल की एक अच्छी खास बात क्या है कि इस प्लेट को रिपेयर किया जा सकता है। आपको मैं थोड़ा जूम आउट करके दिखाता हूँ। अच्छी बात क्या है कि इस प्लेट को रिपेयर किया जा सकता है। मैं फोकस डालता हूँ थोड़ा। तो ये प्लेट इसका बहुत जेन्युइन है, और इसमें दो फ्यूज लगे पड़े हैं। तो बेसिक आपको ये जो दो फ्यूज दिखाई दे रहे होंगे, दिखाई दे रहे हैं दो फ्यूज, आप ऐसे देख सकते हैं, ये दो फ्यूज हैं। अगर हमारा कभी सर्किट चार्ज नहीं होता या आउटपुट नहीं देता तो ये दो फ्यूज खराब हो जाते हैं। और ये हमारे जो ये एल्युमिनियम का दिखाई दे रहे हैं, इसे हीट सिंक कहते हैं, ठीक है। दो हीट सिंक है इसमें, और एक ट्रांसफार्मर है जो 12 वोल्ट कन्वर्ट करता है हमारे सर्किट को ऑपरेट करने के लिए। और ये हमारा जो मेन ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर तो 0-10 का होता है। इस पर रिक्वायरमेंट अलग अलग इन्वर्टर में अलग अलग ट्रांसफार्मर होता है। इस ट्रांसफार्मर की खास बात की, ट्रांसफार्मर भी हमारा ओरिजिनल है। आपको इसमें वाइंडिंग दिखाई देगा, मॉडल नंबर, अबाउट सारी स्पेसिफिकेशन जो वाइंडिंग के अंदर होती है, ट्रांसफार्मर के अंदर होती है, वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी। और यहाँ की आप वाइंडिंग में देख सकते हो, ये ओरिजिनल वाइंडिंग है। इट मीन्स हमारा जो इन्वर्टर है, मतलब लोकल और ओरिजिनल में यही अंतर होता है बेसिक। देखो मैं अब आपको दिखा दूं कि हमारा जो इनपुट वायर है ये रहा, यानी जो हमारा सप्लाई हो रहा है, मेन सप्लाई हो रहा है, वो हमारा ये आ रहा है यहाँ, यानी हमें न्यूट्रल हमारा पहुंच गया यहाँ पर। न्यूट्रल यहाँ से पहुंच के हमारा सर्किट में डायरेक्ट न्यूट्रल चला गया। न्यूट्रल कहाँ चला गया, सर्किट में। ये आप देख सकते हो, ये जो केबल है यहाँ पे, 4 केबल है, देख रहे हो। तो ये हमारा मेन हमारा यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। और फिर हमारे ट्रांसफार्मर को, यानी जो केबलिंग है ये सब कोई भी इन्होंने सोल्डिंग नहीं किया, क्योंकि इसमें क्या होता है कि लॉक सिस्टम होता है जितने भी कंपनी के होते हैं, तो इन्होंने डायरेक्ट इन्होंने कनेक्ट कर रखा है। और यहाँ पे आईसी लगाई गई है। तो बेसिकली यहाँ पे कई सारी आईसी होती है, अलग अलग आईसी का अलग अलग नंबर होता है नीड के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। तो थोड़ा फट रहा है, तो उतना वैसे इम्पोर्टेंट नहीं है, बट बेसिकली देखो मैं होता क्या है, इसमें ये बताते हैं कि आपका जो मेन कनेक्शन तो देख लिया, अभी क्या करते हैं, यहाँ पे ट्रांजिस्टर लगे होंगे, मैं आपको ट्रांजिस्टर दिखाता हूँ। बेसिक इसमें 4 ट्रांजिस्टर लगे पड़े हैं, और किसी में अलग अलग ट्रांजिस्टर होता है अलग अलग नंबर के हिसाब से। तो इस पर फोकस डाल के देखता हूँ मैं कि हमें नंबर दिखाई दे रहा है या नहीं। तो नंबर तो इस पर नहीं दिखाई दे रहा है,
बिकॉज इसमें बहुत छोटे छोटे वैल्यू में लिख रखे हैं और मुझे नहीं लगता कि ये इससे मैं इससे नंबर देख सकता हूँ, बट फिर भी मैं आपको अलग से इसमें फोटो लेके ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो बेसिकली चार ट्रांजिस्टर इधर लगे पड़े हैं और चार ट्रांजिस्टर इसके पीछे लगे पड़े, यानी टोटल आठ ट्रांजिस्टर हो गए, क्योंकि हमारे पास दो हीट सिंक है तो दोनों के नीचे नीचे चार चार ट्रांजिस्टर लगे पड़े हैं। और वो ट्रांजिस्टर का काम क्या होता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का, डीसी को एसी में कन्वर्ट करने का। इट मीन्स क्या करता है, वो जो हमारे पास डीसी होता है उसे एसी में कन्वर्ट करने का काम किसका होता है, ट्रांजिस्टर का। अगर एक भी ट्रांजिस्टर खराब होगा तो हमारा जो कनेक्ट है, जो कन्वर्टर है, वो काम नहीं करेगा, यानी कन्वर्ट नहीं करेगा प्रॉपर। तो बेसिक अगर आप ट्रांसफार्मर की बात करो तो आप यहाँ देख सकते हो जो ट्रांसफार्मर की क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी लग रही है मुझे, तो हैवी ट्रांसफार्मर लग रहा है। इसका अप्रोक्सीमेट वेट 10 किलो समथिंग होगा, क्योंकि मैंने मेजर किया था जब मैं खरीद के लाया था इसे खुद ही बेचने के लिए, तो मैंने इसका वेट मेजर किया था तो अप्रोक्सीमेट 10 किलो था और जिससे बड़ा था उसका 12 किलो था। यानी जो ट्रांसफार्मर होता है ये हैवी होता है और जो हमारा लोड है वो सर्किट और ट्रांसफार्मर दोनों पे ही होता है। आपने बाई चांस बड़ा ट्रांसफार्मर लगा दिया, आपका सर्किट छोटा हुआ, तो आपका वो जो सर्किट है वो खराब हो जाएगा, क्योंकि इनके जो रेशियो होने चाहिए वो सेम होने चाहिए। जिस हिसाब से आप ट्रांसफार्मर लेके आ रहे हो उस हिसाब से आपका सर्किट होना चाहिए और उस हिसाब से आपका लोड भी होना चाहिए, ठीक है। और ये नहीं कि आप सर्किट छोटा लेके आए हो, ये बड़ा लेके आए हो, उसके बाद लोड ओवर कर दिया आपने, तो उसमें आपका सर्किट खराब हो जाएगा। बेसिक अगर आपके इन्वर्टर में कोई दिक्कत आता है ना, तो पहले तो आपको आउटर फ्यूज चेक करना है, उसके बाद क्या जो इसके इनर में फ्यूज है, आप इनर में दो फ्यूज देख सकते हो, यहाँ ऑरेंज कलर में दे रखा है, ये जो इनर में दो फ्यूज है ना, आपको इन्हें चेक करना है, ठीक है। जब आप इसे चेक कर लोगे तो आपको बेसिकली समझ आ जाएगा कि आपके किसी फ्यूज से दिक्कत है नहीं। मैक्सिमम जो कंडीशंस आती है वो क्या होती है, चार्जिंग ना लेने की, चार्जिंग ना लेने की, तो आपको पहले पानी चेक करना होता है बैटरी के अंदर, पानी चेक करने के बाद आपको फ्यूज चेक करना। अगर आपका ये फ्यूज खराब होगा ना तो भी चार्जिंग आपका इन्वर्टर नहीं लेगा। अगर आप खुद ही खोल के देखोगे तो आपके पैसे बच जाएंगे, वरना अगर कोई मिस्त्री आएगा तो अप्रोक्सीमेट 350-100 से कम नहीं लेगा, क्योंकि नॉर्मल इतना चलता है। तो बेसिकली आज के लिए इतना ही काफी है। आपका ये मेन इन्वर्टर ट्रांसफार्मर है और ये सर्किट है, और इसके अलावा हमारे पूरे इन्वर्टर में और कुछ नहीं होता है, क्योंकि कंप्लीट सर्किट आता है मार्केट में अलग अलग रेट से अवेलेबल होता है। मैंने जब इन्वर्टर बनाया था खुद ही अपने फर्स्ट ईयर में, तो ये जो सर्किट है मैं लोकल सर्किट लेके आता हूं, इंडियन का मतलब क्या, लोकल, हाँ तो मैं भी कह सकते हैं इंडियन सर्किट लेके आता मैं लोकल से, ठीक है। तो वो सर्किट मुझे 400 रुपए का दिया था और जो ट्रांसफार्मर है सेकंड हैंड लिया था मैंने, तो ट्रांसफार्मर 500 का पड़ा था, कॉस्टली पड़ गया था ट्रांसफार्मर, थोड़ा सेकंड हैंड था तो, लेकिन हमें तो बस प्रोजेक्ट बनाना था तो फिर हमने इसे इसी हिसाब से किया था। तो ये जो ट्रांसफार्मर अगर आप सेकंड हैंड लेना चाहते हो तो इसकी जो कॉस्ट है वो 100 रुपए केजी पड़ती है कॉपर में, अगर ट्रांसफार्मर है तो। अगर आप मार्केट में बाय करना चाहते हो तो आप किसी भी कबाड़ी के शॉप पे जा सकते हो और ट्रांसफार्मर को बाय कर सकते हो। मैक्सिमम जो हमारा बिकता है वो 80 रुपए केजी बिकता है, ठीक है। हम भी तोड़ के बेचते हैं, कुछ इन्वर्टर्स होते हैं जिनकी बॉडी खराब होती है तो हम 80 रुपए किलो बेचते हैं, आपको 100 रुपए 120 रुपए इस हिसाब से पड़ जाएगा। आप वजन से लीजिएगा तो कम से कम 5-6 किलो वजन होगा, तो उस हिसाब से आपको लॉस नहीं होगा, क्योंकि आप खराब भी बेचोगे तो आपको 80 रुपए किलो निकल जाएगा। और जो सर्किट की बात है तो सर्किट तो आपको 400 रुपए में सर्किट कम्प्लीट सर्किट, ये जो पैनल है इनके साथ कम्प्लीट सर्किट मिल जाएगा, और जो ये बॉक्स है आउटर का ही 250 रुपए में। अगर आप इन्वर्टर बनाना चाहो ना मैक्सिमम, तो आप खुद आप 2000 रुपए में कम्प्लीट इन्वर्टर तैयार कर सकते हो। तो बेसिकली इन्वर्टर का अगर आपको कनेक्शन के बारे में जानना है ना, तो कभी मैं आपको इन्वर्टर बनाऊंगा तो उसके कनेक्शन आपको साथ ही में बताता जाऊंगा, क्योंकि अगर अभी मैं बताऊंगा तो ये पूरा इन्वर्टर मेरा खराब हो जाएगा, क्योंकि इस इन्वर्टर को खोलना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा और उसके लिए थोड़ा बहुत सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जब भी अगर हम कोई वो लेते हैं इन्वर्टर लेते हैं, तो ये जो हमारा सर्किट है ना, इस सर्किट के साथ एक डायग्राम आता है जैसे सर्किट डायग्राम कहते हैं, उस सर्किट डायग्राम के अनुसार हम ट्रांसफार्मर को उसमें इंस्टॉल करते हैं, क्योंकि यहाँ हमें भी नहीं पता कि कौन सा तार किसमें जुड़ेगा, वो तो सर्किट को ही देख के कनेक्शन किया जाता है। बेसिकली अगर कोई मिस्त्री डायरेक्ट कर देता है तो वो अलग बात है, एक्सपीरियंस होता है, लेकिन बगैर सर्किट डायग्राम के हम कोई कनेक्शन नहीं कर सकते हैं। तो बेसिकली आज के लिए इतना काफी है और नेक्स्ट वीडियो में हम और भी जानेंगे बहुत कुछ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।